दिल्ली के सीएम केजरीवाल के खिलाफ दायर मानहानि केस में अपना बयान दर्ज कराने के लिए अरुण जेटली पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचे और अपना बयान दर्ज कराया। जेटली ने डीडीसीए को लेकर लगाए गए आरोपों के जवाब में केजरीवाल समेत 6 आप नेताओं के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। जेटली ने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल और 5 अन्य लोगों ने मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ झूठ और अपमानजनक बयान दिए। सभी 6 आप नेता एक दूसरे के संपर्क में थे और एक सोच के तहत मेरे खिलाफ आरोप लगाए जो पूरी तरह से झूठे हैं और मेरे परिवार की छवि को नुकसान पहुंचाने वाले हैं। मुझे ट्विटर और फेसबुक पर भी बदनाम किया गया, मेरे खिलाफ भद्दी टिप्पणी की गई जिससे मेरी छवि खराब हुई। ये बयान इसलिए दिए गए ताकि केजरीवाल के साथ काम करने वाले व्यक्ति विशेष के खिलाफ सीबीआई जांच से ध्यान भटकाया जा सके। डीडीसीए के अध्यक्ष के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान मैंने किसी से कोई धन नहीं लिया है। केजरीवाल ने झूठ कहा कि बेईमानी से धन निकाला गया और मैं इसका लाभार्थी था। गौर हो जेटली ने 21 दिसंबर को अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, कुमार विश्वास, दीपक वाजपेयी, राघव चड्ढा और आशुतोष के खिलाफ पटियाला हाउस कोर्ट में आपराधिक केस दर्ज करवाया था। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।